मान सिंह जी मनहेड़ा जिन्होंने बहुत वड्डी हिम्मत की और मनहेड़ा जी ने देख रेख दे विच ये चंडीगढ़ के अंदर धरना जो कामयाब होया है वो एक बहुत वड्डी मिसाल है। मैं थोनू दसना चाहना कि कितने तरन तारण है, कितने अमृतसर है, कितों कितों के लोग चार चार दिन चल के साइकिलों के उत्ते चंडीगढ़ के अंदर पहुंचे ने, पर साहब क्यों जगह जगह प्रोग्राम करते हैं और जगह जगह हम लोग क्यों प्रोग्राम मंगते हैं कि चंडीगढ़ ने सारिया संगतों के होर भी स्पिरिट पैदा कर दी है। और जेडे आज इतना हम सांझियां दी लाई आपने श्री मार्च कटिया साहब कांशी राम जी ने हजे गुरदेव बादल नु पता नहीं कि किनू श्री मार्च किया गया है। तेरे वर्गे सांझियां नु, तेरे वर्गे चोरां नु, तेरे वर्गे सांझियां नु श्री बनाया गया है और तू श्री बन के उन्हां दी बोली बोलदा है और तेनू आने वाले समय च पता लग जाएगा कि किथे गया और किथे मैं जाना सी। मैं इन्ना कुछ कहता होया कि माता जाज कह धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। इन्हां तों बाद मैं बेनती करनी चाहांगा जसविंदर सिंह जी गोसला जो भी मंच के नेड़े आ जाण, और मैं सरकार जो सारे बलंतिया साथियों नूं बेनती करनी चाहांगा कि जो इधर पासे स्टेज दे खब्बे पासे सारियां बीबियां बैठियां है उन्हां बीबियां नूं बेनती है कि पंडाल च बैठण दी कृपालता करन, और जो स्टेज दे सज्जे पासे सारियां बीबियां बैठियां उन्हां नूं बेनती है बलंतिया साथियों नूं क्यों जय भारत। अज की यह कत्तरता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 110वां जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है। साथियों अगर अज आप पढ़ लिख रहे हैं, अगर आप अज स्टेजां गा रहे हैं, यह सारी देन बाबा साहब की है। साथियों पंजाब के अंदर गुरुआं का पीरां का ने जन्म लिया, गुरुआं ने सानू सर्वसांझी वालता का उपदेश दिता, उन्होंने सानू जो मनुख नूं जन्म जातां दे विच वंडिया होया उन्हां जातां नूं इक करन दा उपदेश दिता। अज भी पंजाब की धरती से एक अजिहा महापुरश पैदा होया, युग पुरश पैदा होया, साहिब श्री कांशी राम जी जिहड़ा साडे जन्मां दा जो अज तक असीं गुलामी दीआं जंजीरां विच जकड़े होए हैं उन्हां नूं तोड़न दा उन्हां ने तैयार किया है। तो मेरी अपील है समूह बहुजन समाज नूं कि उन्हां दीआं गल्लां ते तुसीं अमल करो, आने वाली जिहड़ी सरकार है बहुजन समाज पार्टी की बनाओ ता कि असीं जो करोड़ों साल तो हजारों साल दीआं गुलामियां जिहड़ियां उन्हां नूं दा संताप भोग रहे हैं उन्हां दीआं जंजीरां नूं कट सकीए। साहब ने कहा है कि मैं तुहानूं इस युग दे विच आजादी लेके देवांगा। बहुत सारे महापुरश होए हैं जिहड़े तुहानूं अगले जन्म दीआं जां पिछले जन्म दीआं गल्लां दसदे हैं, पर साहिब श्री कांशी राम जी कह रहे हैं कि असीं तुहानूं इस जन्म दे विच तुहानूं आजादी लेके देनी है। तो बहुता कुछ ना कहिंदा होया समें दा ख्याल रखदे होए असीं इत्थे रजा लैंदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਸਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚੇਅਰ ਲਗਾਈਆਂ, ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੁਰਸੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ बड़े समारे दे विच कट करया होया, बड़े समारे दी पंचायत नूं भी और हो बखो बख जिहड़े साडे पंजाब दे लीडर सरदार भगत सिंह श्री शालीमार हो साडे हो साडे बड़े लीडर जिहड़े कोटले ते आए होए ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਜਿਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ
अपने बजुर्गों भूफा दे रहे बहुत बाबा साहब नू भी गुरुआं नू भी जेड़े साडे रहिण होए उहनां नू भी बड़िया भूफा दे रहे हैं जी। पर साथियो जेड़ी जान की मिसाल ओ नबी जो नबी नूर साडे सत रगड़ा मन धन अल कोई शादी नहीं कराई परिवार से दूर रह के अपनी जिंदगी समाज के लेखे ला के आ नौकरी केड़ी छड़िया साहिब श्री कासी राम ने इंजीनियर पंपा असले भी कंपनी का इंजीनियर था साथियों के छोटा मोटा नहीं था। दूआ नंबर ऐसा सरकार बड़िया सारिया पार्टियों ने जोर लाया कहना साहिब श्री कासी राम जी असं तेन राष्ट्रपति बनाने तेन बिना वोट से बुला रहे पर साथियों एक गल याद रखो साहिब श्री कासी राम ने राष्ट्रीय प्रधान कुर्सी ने लत मार के कहा है कहने मैं इसकी कुर्सी नहीं चाहता मैं ओनी बाना भी दर्शन कर लूंगा दस्खत करे बाधे हो गया मैं अपना समाज किसी लेखे लाना है। साथियों को बेनती करनी है मैं अज जारी साहिब श्री कासी राम की मंग बेनतियां करके असीं खिमा मंगदे आ साथियों बार बार टाइम नहीं आउंदे अज मौका है सरकार बनाने का अज होवो कच्चे दसो होवो सारा नारा है भाईचारा बनावांगे जात पात मिटावांगे भाईचारा बनावांगे इन्ना ही कह के तुहाडे खिमा मंगदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जय पीर जय भारत। ये सन सत्कार जो बाबू श्री रुकी साहब बेनती करनी चाहगा मैं बेनती करांगा माता हरनेर सिंह जी जतामली सिर्फ एक मिनट लिए अपने विचार संगत भैनों से भराओ मैं आज बड़ी खुशी हुई है कि तुसी एक बहुत बड़ी जनसंख्या में आज अपने महबूब लीडर का स्वागत करने की 30-40 साल तो इस नजारे वर्ग को वक् वक् पार्टियां ने अपने विरोध लिए वरत्या हालत उतों की उतों रही ते जो कुछ तुम आम लोग महसूस करते हैं भी सू कांग्रेस ने रिजर्वेशन दी है ये बिल्कुल उनका भुलेखा है। रिजर्वेशन का लाभ सू संधानिक तौर पर मिलया है जो कि देश का लाभ साढ़े कुछ वर्ग ने उठा के अपने दलित वर्ग को अपने आप को दलाल वर्ग में बदल ले उस दलाल वर्ग ने अपने ब्याह शादियां रिश्ते भी उन्होंने लोगों कर ले जिन्होंने कि सानू सजा को लताड़िया हुआ। मैं थानू एक बेनती करनी चाहना जगत की तुम अपने हकों जागरूक नहीं होंगे तुम किसी ने थोड़ी दान नहीं लेनी। मैं अपने आप को बड़ा बड़भागा समझना है कि इतने बाबू कंशी राम जी की माता जी पढ़ाए हुए हैं इन्होंने मैं जदों बतौर मुख अध्यापक सरकारी हाई स्कूल अटारी 5-6 साल काम करता रहा 1993 तो लेके 2003 इन्होंने मैंने बड़ा माण बख्शिया पर मैं थोड़ा एक दस देना चाहना भाई इन्हों की प्रेरणा सदका इन्हों की कालना सदका उत्थे बड़ा भारी बिल्डिंग का कंपलैक्स सर हुकम सिंह जी इतने बैठे ने अटारी वाले मैं इन्हों के सहयोग ना उत्तर उतार के आया जेड़ा कि आम
सरकार के वश में नहीं है। सो अजिहे बंदियां दी अजिहे लीडरां दा सानू तय दिलो धनवादी होना चाहिए है। और इन्होंने एक पत्थर से भी अपना नाम तक की उकर नहीं मैनू दिता, असी तो जे पखा भी किसी स्कूल दे दिए तां भी उहदे अपना नाम लिखा देंगे। सो मैं फिर सानू यह बेनती करूँगा कि तुसीं इस बहुजन समाज पार्टी के हथ मजबूत करो, बाबू फ्रांसी राम नूं ताकत दिओ तां जो साडा कुछ भला हो। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू। साडे सरकार दे वलंटियर साथी उन्हां निमरता साहिब बेनती है जिहड़े गड्डियां सारियां बाहर खड़ी है उह भी उन्हां अंदर 50 साल तो असीं पार्टियां नाल बड़ा फेर कांग्रेस पार्टी दे नाल पार्टियां ने जो कांग्रेस पार्टी हुई और पार्टी हुई जिस पार्टी ने मगर गरीब पार्टी ने तो वोटा पाई थी तो उन्होंने अज तक साडा कुछ नहीं किया ना कर रहे तो उस तो बाद बहुत एक हत्याकार हो रही है। सानू भी पता होना गा जो मंडे शहर के अंदर जो साडा जबरदस्ती की गई है तो उस नेड़े वाले कौन है बहुजन समाज पार्टी वाले कोई पार्टी साथ नहीं दिता साथ दिता तो मान सिंह मरहेड़ा ने दिता गा रजिंद्र सिंह राजा ने दिता गा इन बंद ने आके साथ दिता गया तो साथियों चल रहे हैं। जब तो साथियों रले हाँ जब तो सू सुख शांति है तो जितों अभी जब तो अभी पहला कांग्रेस लाया से कोई सू सुख शांति नहीं मिली सू बर्बाद कर दिता गया गा सा जो वोटा थी सब किसी वकालों ने बिल्कुल कट दी तो हम जब तो सू सुख शांति आई है जब अभी बहुजन समाज पार्टी के नाल रलिया तो मैं वादा कर देगा तो हम जिन्हें भी मेरे साथी का गरीब भाई साथी मेरे बैठे गए उन्होंने बेनती कर देगा तो साथियों जो कांग्रेस कांग्रेसी बंदे गए जो अकाली पार्टी के बंदे गए उन्होंने मेरे मत रखना क्यों जिदा साढ़े नाल हत्याकार हो रही है उदा कद आप भी हो ना हो जाए क्यों ऐसा कहना पड़ोसी है जी पड़ोसी का भी चला गया शरमादार पार्टियां नहीं है शरमादार पार्टियां तो आप मुल खरीद लेंगे गए यह मुल खरीद लेंगे गए तो आप वोटा उन्होंने पा देने अपने पार्टी फिर पिछले रह जाती है तो याद रखना इस गल तो कोई भी कानून तो बादल पार्टी आवे चाहे कोई कांग्रेस पार्टी आवे कोई अगर किसी साडा देवता गा साल कांशी राम जी साडा देवता गया अभी उन्होंने देवत्या भी पूछने कि आने वाले समय के एक अपनी कीमती वोट जी होगी साल कांशी राम को पानी होगी अगर जो ना पाई तो देखना चाहते हो तुम मेरे को होगी पर पक्का जिंदगी का जिन्ना भी साडा पंजाब का बकाला वापसी होगी तो एक एक वोट में वादा करना तो एक एक वोट बोलो समाज पार्टी पाएगी तो पा के रहेगी। इस करके मैं सारे साथियों को जाना चाहूँगा जय भीम जय भारत नारा जरूरी है सत्कारयोग रमेश कुमार जी जो बकाला बरादरी संबंध रखते हैं उन्होंने अपने बड़मुले विचार थोड़े तो साझे किए हैं और मैं बेनती करनी चाहगा असी माता जी ही बेनती करने वास्ते आया सारे वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह जय भीम जय भारत। साथियों गरीब ही कुचले जाते हैं जिस तरह अच्छे सामने मिसाल आ कि बादल साहब ने जो भी कुछ गरीबों के नाल किया जो भी गरीबों ने वादे किए कि बुढ़ापा पेंशन दित्तियां जाणगियां तुहाडे घर आके पेंशन दित्तियां जाणगियां दरवाजे खड़न
होया तो ठीक है, दरवाजे का जरूर खड़के आ, पर जिस वेले माई का बुजुर्ग बाहर निकल के देता वो कौन है बिजली के बिल आना। साथियों आप इन्होंने गलों को चेत रहना, जितना भी महकमंड है मैं इन्होंने सारा बेनती करता, जेडी साहब कंशी राम जी ने मर्यादा महाराज गुरु दसवें पातशाह के गुरु दसवें पातशाह की मर्यादा चलाई है, उन्हू अधूरी पूरा करने वास्ते जो ये बीड़ा चक्या आ, ये बीड़ा जड़ा आ ये हमेशा वास्ते बाकी साथियों भी चकना चाहिए। साथियों एक मैं बेनती होर करता हाँ कि गुरबाणी के बच्च लिखिया जननी जने तो भगत जन कह दाता कह सूत, अज तुहाडे मंच ते माई बैठी आ जिसने इहो जिहा बहादुर इहो जिहा भगत इहो जिहा तपस्वी इहो जिहा हिम्मती बंदा दिता सानू, जेकर इन्हां दी हिम्मत दी असी दात ना दित्ती ता हमेशा वास्ते जिस लागे हजारा वरिया असीं पछड़े रहे हाँ इसे तरह पछड़े रहेंगे। साथियों जिहड़ा पछड़ा समाज है इस करके हुण कदे पछड़ के ना तुसीं रह जाओ, बाबा कांशी राम जी दे जो भी आदेश है जो भी इन्हां दा हुक्म है उहदे ते तुहानूं चलना चाहीदा। साथियों बहुजन समाज पार्टी नूं मैं इस करके बहुत बहुत बधाई देना हाँ कि इन्हां दे जिहड़े वर्कर है इन्ने हिम्मती आ और इन्ने दिल वाले सपनों ने पूरा करूंगी। साथियों बेनती यह है कि आप जो भी इकट्ठे होंगे जिस तरह तुम्हें बोर्ड पर लिखा है इक्कीवीं सदी हमारी है लिखा तुम्हें बोर्ड के उत्ते, लेकिन महाराज गुरु दसवें पातशाह का भी यही हुक्म है इक्कीवीं सदी के बच्चे तुम्हें सारे मिल जाओगे और तुम्हें आपू अगे रखा कि इन्हीं की कृपा से सजे हम है। तो साथियों इस गल याद रखियो बहु कांशी राम जी को आप इन्ना हौसला देना है जिस तरह के गुरु साहब ने तुम्हें हौसला दिता है, अभी इन्हों हौसला देवे तो हौसला देंगे। इस करके हिंदू मैं बेनती करता है ਗੋਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ।
ਮੈਂ ਸੰਨ 82 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕੈਸ਼ਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਜੀ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖਾਤੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਲਿਖਰਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਲਟੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਣਖੱਕ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਾਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਓ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵਿਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਇਹ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤਲਾਅ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਵੋ। ਮੇਰੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਸੱਚਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਸੱਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਗਾਂਧੀ ਝੂਠਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਗੁਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਰਾਮਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਾਨ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਡੋਲ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਮਰਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰੱਤੂ ਲਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਭੀਮ ਮਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੌਰ ਨੇ ਬੋਲ ਕਰ, ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰਾ ਗਾਉਣਾ ਕਾਬਲੇ ਬੰਦੇ ਰਹਾ ਨੀ।
ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਰੋ ਉਹ ਕੱਲਿਆ ਪੰਡਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਿਆ ਪਿੱਤਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਵੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 110वें जन्मदिन के मौके से कितने असी बोलना चाहिए बैनर थले प्रोग्राम आयोजित कर जा रहे हैं। अज के मुख मेहमान लोगों के मसीहा साहब कंशी राम जी जो कुछ ही समय से इतने पहुंचने वाले ने चंडीगढ़ आए हुए ने और सर्वे कर रहे हैं चंडीगढ़ का बहुजन समाज के चलता है एमएलए जितने में चले रस्ते तो विधानसभा के एंटर कर रहे हैं। जब 1932 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के लोगों की किस्मत का फैसला करने का इरादा बनाया एक बड़ी मूवमेंट इस देश के अंदर चलाने की कोशिश की थी। इस देश के मुठी भर मनुवादी लोगों को पता लग गया कि अंग्रेज को इस देश को चलता करने वास्ते रास्ता तैयार हो चुका। हैदराबाद पवन मुख दफ्तर रख रहे हुए कर्नाटक के RSS ने पूरे ब्राह्मण वादियों को इकट्ठा करके उन्होंने दिमाग इकट्ठा करके अपना हेडक्वार्टर कायम किया जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ना सिर्फ संतान इस देश दिया घट गिनतिया बल्कि देश के बड़े पैमाने के 52% बैकवर्ड क्लासेस को इस लड़ी से बढ़ो के सही भारत का सपना साकार करने की खातर इस देश के लोगों को इस लड़ी से बढ़ाने की कोशिश की थी। उतने ही अंग्रेजा के जान के बाद इस देश के लोगों को टुकड़े टुकड़े करके इस देश के हुक्मरान बन गया स्कीम RSS के हेडक्वार्टर च बन लगिया सिद्धा की निकले जो अपने झंडे देने लागे साहब कंशी राम पंजाब च बैठे है
आज प्रकाश सिंह बादल कहना भी बहुजन समाज पार्टी राज किसों करूंगी। मैं बादल साहब को कहना चाहना कि साहब कांशी राम तो बड़े दूर की गल थोड़ा वही साड़ी वाले साढ़े मान योग ठेकेदार हरभजन सिंह श्री बैठे है थोड़े वास्ते का पंजाब के ही काफी है। साहब कांशी राम के नंबर ना गल करो तो चंगी गल है। असि इस मंच तो यह भी चेतावनी देने कि जिसे कांग्रेस पार्टी जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज के लोगों परम भुलेखा पाना चाहते हैं कि थोड़ी जगह पंजाब की सरकार नहीं बनी ना बन वाली है तो बादल साहब के उन्होंने चेले चक्कर भी यह गल सुन लो अमरिंदर सिंह के चेले चक्कर भी यह गल सुन लें कि जब उत्तर प्रदेश से ब्राह्मणवाद का सफाया करके बहुजन समाज पार्टी दो बारी राज कायम कर सकती है तो इस छोटी जी सूबे च 8 महीने चली मेहनत कर चुके हैं कि अगर आई पार्टी जनता पार्टी अकाली दल नाल दी नाल अगर कांग्रेस पार्टी भी इन्हों नाल अलायंस कर ले तो पंजाब के विच आने वाली चोणां सारे दी जमानता जब्त करवांगे। उत्थे ही 3 MLA जिता के रविंदर सिंह साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री बनावा तो असी इस मंच को इतने के लोगों क्योंकि जिस पिंड में आया 40 घर इतने मुसलमाना के है 50 साल ना तो जटा ने सार पुछी है ना कांग्रेसियों ने सार पुछी है आज साढ़े 4 साल 5 के खलीफिया पंजाब हो गए उन्होंने लोगों ने नारा दिता कि असी गुरुआं की गल करनी है मानस की जात सब एक पहचानवा लैके चलना जिते कांग्रेस ने मुसलमानों पंजाब च दबाया 47 तो बाद जड़े पंजाब के लोग उजड़ के हिंदू लोग बाहर गए मिली गंसी के दौरान उन्होंने मुड़ मुसेबे की गल चली मिली 1947 जो पंजाब का मुसलमान उजड़ के पंजाब च रहा अज तक किसी भी सरकार ने उन्होंने सार नहीं पूछी। इस करके जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई जागीरदारा भी उन्होंने हक मिले हुआ पंजाब के लोग लुटे भी जाते रहे कुटे भी जाते रहे तो साथियों बेवक्त मौका बेवक्त नारा लाने की बजाय इको ही मौका आता इलेक्शन का उस वे जो नारा लाया जाए तो जगीरदारी का सफाया किया जा सकता हमने ग्राउंड छोटे वास्ते तैयार कर चुकी है। बादल साहब को भी चंडीगढ़ जाने के पैसे खत्म हो गए अमरिंदर सिंह होनी पहला टिकट का इंतजाम करते फिर है। इस करके साथियों घटो घट सड़के के इस पार्लीमेंट हल्के तो 9 दियां 9 सीटां सबके साहब कांशी राम का मानवता समानता स्वतंत्रता और भाईचारे का जो संदेश पूरे देश फैल रहा उन्होंने कामयाब करना इन्नी गल कहता हो पंजाब के सारे बुलारे बैठे है ज्यादा गल ना करता हो रजा लंदा जय भीम जय पाक खुदा पत्ता भेजना इसी तरह साढ़े नाल इतने कनार बरादरी के साढ़े लोग बहुजन समाज पार्टी ने जुड़े हैं जो असी बूथ कमेटी बनाई है उसे असी मैंबर लगे गए उन्होंने बड़ी मंग थी जो कुमार बरादरी के मान जो हरभजन सिंह श्री उन्होंने भी इतने सारे नगर के अंदर बुलाया जाए। इसी तरह सुखबीर सिंह शालीमार जो पंजाब के मैरा बराज के प्रधान हैं उन्होंने भी बड़ी मंग थी कि उन्होंने भी इतने बनाया जाए और इसी तरह साढ़े सत्कार जो मानजोग माता राम जी तमान जो रामगढ़िया बराज के संबंध रखते हैं जो चंडीगढ़ स्टेट के प्रधान है और इस नगर की बड़ी मंग थी कि उन्होंने भी इतने बनाया जाए। सत्कारयोग साथियों आज तो 300 साल पहला गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जिहा इकट्ठ किया जो अब साहब श्री कांशी राम ने पंजाब के अंदर किया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहब की धरती से पंथ खालसे की साजना की कोई उड़ीसा तो चल के आया कोई बुजुर्ग तो चल के आया कोई लाहौर तो चल के आया देश के कोने कोने तो लोग आनंदपुर साहब की धरती से इकट्ठे हुए इतिहास का बैकर से यार का इकट्ठ होया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उत्थे नाइयां नूं चूड़ां नूं छिंदियां नूं दित्तां नूं टूड़ियां नूं चमारां नूं लेकिन साहब श्री कांशी राम जी ने तहिया किया कि मैं गुरुआं दे सुनेह नूं जन जन के अंदर लैके जावांगा पिंड पिंड के अंदर लैके जावांगा और गुरुआं दे सोच नूं मैं देश के अंदर लागू करांगा। तो इस करके सरकार जो साथियों
साडे जो पंजाब के महान नेता हर वर्ग के नेता ने इस मंच से संबोधन करना है। तो इस करके मैं जो साथियों ने बाहर खड़े है जो साथियों ने इतने तक नहीं पहुंच सके उन्होंने मैं बेनती करनी चाहूंगा इस मौके का तुम बड़ा ला लो और महान नेता के बड़मुले विचार सुनो। हम मैं बेनती करा साडे सत्कार जो प्रिंसीपल माता राम धमान जी जो चंडीगढ़ स्टेट के प्रधान है उन्होंने मैं बेनती करनी चाहूंगा कि अपने बड़मुले विचार चंगी तरह साझे कर मान जो माता राम धमान जी और मैं नारे का जवाब नारे लावगा और तुम नारे का जवाब पूरे जोर से ना देना। जे एक बाह उन्हें अपनी एक बाह खड़ी करनी है जिसे दो बाह उन्हें अपने दो बाह खड़िया करनिया है। तो इस करके पता लग जाए तो बहुत समाज पार्टी इतने कोई प्रोग्राम हो रहा है। तो इस करके मैं सारे सत्कार जो साथियों को बेनती करा नारे का जवाब पूरे जोर से ना देना। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद का नेता कैसा हो पंजाब की लीडरशिप बैठी है और एक पॉलिटिकल जलसा नहीं मैं समझांगा एक धार्मिक जलसे के तौर पर असि इनू सानू समझना चाहिए है कि एक महान हस्ती कौम को महान सेह देने वाले जरनैल नू पैदा करने वाली मां माता बिशन कौर जी अज साडे विच हन। इस दे नाल ही शरीर साहब जिन्हां दे आउण दे नाल पंजाब दी बहुजन समाज पार्टी दे विच नवीं जान पई और शालीमार जी ने उस दे विच अपना बहुत वड्डा योगदान पा के बहुजन समाज पार्टी दी शान नू वधाया। मेरे मुसलमान वीर जिहड़े इत्थे बोल के गए उन्होंने जज्बे उन्होंने जो वधीकियां हुई उन्होंने अपन वधीकियां समाज के सामने रखिया। मेरे रोपड़ यूनिट के सारे श्रोतागण जेडे लीडरशिप है रजिंदर राजा जी और रजिंदर नाल उन्होंने एक होर दोस्त है नाल ही गड्डू साहब मंच से होर भी जोड़े मेरे नेता बैठे हैं। मैं सही साहब का हुक्म होया और शालीमार साहब का क्योंकि मंच के सीनियर नेता साढ़े विच मौजूद हैं कि साहब ने जो बोलना है उस तो पहला सानू अपनी गल रखनी चाहिए है क्योंकि साहब के फिर खुले विचार सुन का मौका सानू घट मिलता है। साथियों असी सदियों तो लताड़े हुए लोग हाँ सानू सदियों तो जात पात दे विच मनुवाद व्यवस्था ने वंड के अपने फायदे विच वड़ियां वड़ियां कुर्सियां राजभाग दे मालक बने। श्री साहब उस संस्था दे प्रधान ने कहा कि सब तो पहला साड़ी शर्त है कि बच्चा ब्राह्मण होना चाहिए है वो एक ब्राह्मण का पुत्र होना चाहिए है पंडित का पुत्र होना चाहिए है और मैं संस्थान से नहीं आया मैं उस स्थान पर आया जिथे इंसान का शोषण होता है। ये अगर तुहानू शक है तो मेरी वाइफ गवाह है मैं उस प्रिंसीपल नू जिहदे सामने 15 बंदे बैठे सन कहा कि असली इंसानियत का शोषण करन का अड्डा तुसीं इत्थे बनाया होया है। गुरु नानक साहब जी की मैं मिसाल दिती गुरु रविदास जी की मिसाल दिती और मैं विश्वकर्मा की मिसाल दिती कि दुनिया के जड़े ये महान इंसान होए है भगत नामदेव जी होए कबीर जी होए है मैं इन्हों की एक लाइन दस दो जिन्होंने कभी इंसान वंडन वास्ते कोई गल की हुई उन्होंने मानवता की गल की है।
मैं विश्वकर्मा वंश नाल संबंधित हां। मैं उन्होंने कहा कि मैं एक आदमी एक समाज का वर्ग दस दो कि जिहड़ा विश्वकर्मा का नाम लैके जिन्हों रोटी नहीं मिलती। विश्वकर्मा एक सर्वव्यापी असी जिन्होंने महापुरश मानते हैं उन्हों का मैं अन्याई हाँ कि तुसी हमेशा मंग मंग के संस्थावां तैयार कीतियां तुसी पूरा कर रहे हो। जीवी जी टेलीविजन का प्रेस रिपोर्टर बीजेपी के जनरल सैकटरी पूछ रहा उन्हें कहा कि तुसी पाकिस्तान दे विच मुशरफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसा कीतियां भी प्रेस कॉन्फ्रेंसा करन तो बाद आके अपने बच्चों तो उम्मीद रखोगे जो उन्होंने नौकरियां नहीं मिलती। इस दे बाद अगे की हो रहा सारी प्राइवेटाइज हो रही है सारिया साथियों फैक्ट्रिया दे विच तुहानू नौकरी नहीं मिलेगी वो भी प्राइवेटाइज हो रही है कि इन्हां दीआं सारिया पॉलिसियां बहुत गलत हैं। साडे गरीबां नू दबाउण वास्ते साडे लोकां नू कुचलण वास्ते इन्हां दीआं सारिया पॉलिसियां हैं। मैं कल अखबार च पढ़िया कि कांग्रेस नू बड़ी तकलीफ हो रही है। एक साडे लीडर ने कांग्रेस दे ने कहा कि कांशीराम पंजाब दे विच लोकां नू मिसगाइड कर रहा है। ये कांग्रेस दे लीडर दी स्टेटमेंट है। मैं उस एक साथी टेलीफोन से गल की है कि अजा तक थोड़ी जी तकलीफ हुई है साडे जिहड़े नौजवान साथी स्टेज से नजर आ रहे हैं इन्होंने चंडीगढ़ के तहलका मचा के रखा। चंडीगढ़ की जनता को पता लगया कि एक पार्टी डिसिपलिन वाली पार्टी जिसने चंडीगढ़ की ब्यूटी नू कोई भी आंच नहीं आने दी अजिहे जुझारू साथी अजिहे जुझारू पंजाब के लोग बी एस पी के लोग हैं साडी इन्हां नाल पूरी हमदर्दी है। परसों मैं एक बहुत वड्डे चंडीगढ़ च जलसे च बोलिया सीगा उत्थे लोगों ने सानू बधाई दी कि तिमान साहब तुसी चिंता ना करो आने वाला जिहड़ा समा है ये चार पांच सालों के अंदर अंदर इन्नी वड्डी पोलीटिकल चेंज हो जा रही है जिस दे विच बहुजन समाज पार्टी फ्रंट पर आने वाली है। ये उन्हां लोगों के लफज है जिहड़े हमेशा सानू क्रिटिसाइज करते रहे हैं। सो इस करके साथियों मेरे बहुत असी बजुर्गों के साडे जिहड़े सीनियर लीडर साडे च आए हैं शालीमार जी और जिन्हें भी साढ़े साथी इतने इकट्ठे हुए हैं मैं एक बेनती करांगा कि ये मिशन है साथियों मिशन है संभाल करना भी साडा फर्ज बनता है। साहब श्री कांशीराम जी उस धरती तो पैदा हुए जिथे साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ साजिया सी और इसे धरती चो साथियों एक बगावत होनी है होने वाली है रोपड़ जिले चो आनंदपुर तहसील चो आनंदपुर जिथे खालसा पंथ साजिया गया सीगा उत्थे भारत का हुक्मरान पैदा होया है मंत्री बनणगे उदों इह सपना साडा पूरा हो जाएगा। सो इस करके साथियों आओ असीं एक बारी फिर इत्थे इस मौके दे उत्ते प्रण करके जाइए कि साडा तन मन धन बहुजन समाज पार्टी पिछे अर्पित है। मैं अपने कुछ साथियों नूं बेनती करांगा लीडर साहिबान कि थोड़े जे उन्हां च भिन्न भेद छेती पैदा हो जाते हैं क्योंकि साडी पार्टी अजा बचपन विच है। इस दी उम्र 17-18 साल है बहुजन समाज की उम्र इस करके जवानी च कदम रख रही है। साडे हौसले बड़े बुलंद होने चाहिए हैं साडे दिल बड़े खुले होने चाहिए हैं इन्ने वे दिल होने चाहिए हैं कि आओ सारे साडे विच आके समा जाओ साडे बहुत बड़े हौसले होने चाहिए हैं साडे च दूसरे आदमियों नूं जज़्ब करन दा मादा होना चाहिए है। मैं अपने लीडर साहबान नूं बेनती करांगा कि प्लीज भिन्न भेद मिटा के एक दूजे की इज्जत करो एक दूजे की कदर करो ग्रुपिज़म ग्रुपां च असीं पहले ही वंडे हुए। जय भीम जय भारत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। ਮਨੁਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਗੜ ਬਦਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲਵਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪੱਕਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਗੱਲ ਬਦਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀ
अपने बदमुन्ने विचार संगत नाल सांझे कर
गल कर रहे सी साडे एक रिश्ता होया करपाल सिंह लिबड़े की लड़की करतार हैनरी का मुंडा दोहां की रिश्तेदारी हुई है। सो सानू ये भुलेखा नहीं रखना चाहिदा चार ते पांच सौ दे लगभग ये जगीरदारां दा टोला है जिहड़ा रात दिन ये साडे समाज लई धोखा करन लई सोचदा ते जदों दोए रिश्तेदार बड़ा पूरन धोखे दे नाल साडे समाज नूं गुमराह कर रहे हैं। अज साडे विच साफ श्री संत सभा पूरन नाल दी ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ रामचंद्र के मुंडे ने असल पापा पूरननाथ के आश्रम के वाल्मीकि जी बैठे से उठे घोड़ा फड़िया ते मर्द किनारे उतों होके सब का पैगाम लैके गुरु गोबिंद सिंह की फिलोसफी लैके साडे विच साहिब श्री कंश श्री राम इस गल की बधाई देना कि दिन दूनी रात चौकनी आने वाला समा साढ़े को देर नहीं है वोटों का समा बहुत जल्दी तो जल्दी आ रही सानू राज दवाना चाहते हैं। मैं अपने समाज नू जो टुटा भजा समाज है खास करके कुमार बरादरी नू प्रजापत लफ्ज नू भी मैं एक पालिश किया लफ्ज वरतदा मैं अपने आप नू प्योर असली कुमार कहना जिहड़ा कि गुरबाणी दे विच गुरु अमरदास जी ने शब्द नू रच के उहदे विच उहदी रचना कीती है। मैं अपनी बरादरी नू पूरी तरह नाल संबोधन करके कहना कि बाकी बरादरियां भी जिहड़े नाई हीर शिंबे धोबी कुम्हार तखाण लोहार इहदे विच जिन्नियां भी बरादरियां पंजाब दे विच हन इस पार्टी तो बिना थोड़ा कोई चालू नहीं है। सवर्ण बड़ बड़िया जगीर खरीद रहे हैं ये बिल्लियां ते कुत्तियां दे नाम अपने नाम औरतों के नाम बच्चों के नाम ये बड़ा वड्डा इन्हीं लोगों ने गुरु साहब नाल भी धोखा किया इन्होंने अमृत छकन लैके चले जाओगे संबोधन करना ਹੋਵੇ 85% ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਪਰਜਾਵਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕੁਮਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨੌਲਾ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਸੀ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਬਠਿੰਡਾ
इलाके के अंदर थम से जो जट बरादरी संबंध रखते हैं उन्होंने अज अकाली दल छड के बहुजन समाज पार्टी शामिल होए हैं। मैं उन्होंने चरणों में बेनती करनी चाहगा कि अपने बदमुल्ले विचार संगत नाल सांझे कर जो किसी समय के अंदर समाज के मुखी बाबा पूरन नाथ जी ते उन्हां दे नाल स्टेज ते शुरू करा बहुजन समाज पार्टी दे सारे मुखियां सचेतां ते सारे पटार बैठे भैणां ते भराओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किसे मर्द बाहर से अदारे भी निकल आते ऐसी महान शख्सियत एक अदारे पर के खुली किताब वर्गा जीवन लेके बाबू काशीराम जी आज एक समाज ऊपर उठाने के लिए पिछले कई सालों से संघर्षी में अपने यत्न कर रहे हैं। इन यत्नों के सदका अज उन्होंने पंजाब के विच जाग लाई है। कले पंजाब की मैं गल नहीं करना, समा बड़ा सीमित है, गर्मी भी बड़ी है। मैं दो मिनटा च अपने विचारों संबोधना चाहगा। अज पूरा देश भारत वर्ष है जरा स्थिति दिनों दिन बद तो बदतर होती जा रही है। अज इस देश की कुर्सी मंग भी रही है कि इतों का राज प्रबंध कराने वालों दिया पार्टियां का नाम बदलिया या उनका बंदियों का नाम बदलिया करतार से करतूत तो ही रही है जो देश की आजादी तो लेके अज तक सदा बरकरार है। अज देश की कुर्सी बंद कर रही है ऐसे आगू की जिन्हें भारत वासियों भारत के बसिंदों न्याय से बराबरी दे सके जरा बनती हिस्सेदारी दे सके जो दुख सुख सुन सके। किसी शायर ने कहा उस आदमी को सौंप दो इस दुनिया का दे दीजे दीजे चाहना लोग बैठ फूल भी खड़े सोने हो फल भी हो ताकि ना उस समाज जंगल का ना जंगल ते जंगल से बिच की होना है। हर आदमी जंगल से बढ़ने को घबराता है ते पता कोई जान सेवा जिसी होती है उस वेले कोई सियाणा माली जे इन्हां रुखां नूं तरतीब दे विच ला देवे इसे बनस्पति नूं फुल बूटियां नूं इक तरतीब विच ले आवे तां फिर लोक समाज उसे जंगल नूं बगीचे दा नां दिंदा है। फिर उस बगीचे दे विच मियां बीवी जदों काम तों शाम नूं वेले हुंदे आ उह कहिंदे चल दो घड़ी सुकून ले आवांगे बगीचे च सैर कर आईए। हर आदमी उत्थे जाण लई कहिंदा बड़ा मनमोहन बगीचा है आपां उत्थे चलीए। इसे तरह समाज की बेतरतीबी जे कदे होई है कदे गुरु नानक ने अवतार धारे है कदे गुरु गोबिंद सिंह ने अवतार धारे है कदे बाबा पूरन सिंह पूरन नाथ जी वर्गे लोगों ने समाज के विच तरतीब लियाउण लई यतन कीता है। इसे तरह साहिब बाबू काशी राम जी ने अजे दलित समाज जेड़ा बेतरतीबा सी किसे नूं कोई अकाली दल खिंची फिरदा किसे नूं कांग्रेस खिंची फिरदी है अज इन्हां ने प्यार दी ते अकल दी कैंची लैके तुहाडी अज्ञानता दीआं टहिणियां कट के तुहाडे ओह कंडे जिहड़े तुहानूं सदा चुभ के सताउंदे रहे ने उन्हां नूं कट के तुहाडी अकल दीआं जो डूंघियां खाईआं तुहानूं दूजे पार जाण नहीं दिंदियां सी उन्हां खाईआं नूं भर के अज बाबू काशी राम जी यतन कर रहे ने कि तुहानूं राज प्रबंध दे मालक बना देण तुहानूं दिल्ली दे तख्त दा ताजदार बना देण। मैं प्रभु बेनती करनी चाहुणा मैं 24 साल अकाली सफा दे विच काम कीता है जिथे लारियां तों सवाए कुछ नहीं वोटां दे दिनां विच दलतां नूं लारा लाया जांदा है किसानां नूं लारा लाया जांदा है। अज दी बादल सरकार इह गल कहिंदी है कि असीं किसानां लई बड़ा कुछ कीता है। मैं पुछणा चाहुणा जिन्नियां खुदकुशियां किसानां ने सरदार बादल दे राज विच कीतियां ने की कदे किसे होर राज होईयां ने कौन किसान हितैषी है। किसान भरावो मैं तुहानूं अपील करदा साहिब बाबू काशी प्रवान चढ़ते हुए आओ सारे साहिब बाबू काशी राम का साथ दे के इन्हां दे हथ मजबूत करिए ते दिल्ली दे तख्त ते ताजपोशी है जिहड़ी जो दिल्ली का तख्त है उहदा ताज है जिहड़ा उह साहिब बाबू काशी राम दे हथ च फड़ा दीए तां इह देश तरक्की कर सकेगा तां इह
इतने जी बराबरी है आ सकेगी ता इतने न्याय हो सकेगा। सो इन बेनती करता हो मैं विश्वास दिना के बाबू जी हर पिंड पिंड हर शहर शहर थोड़ी इस गल का होका दे के यतन करांगे कि हर पिंड चो महल्ले चो किसानी नाल संबंधित लोग थोड़ी शरण में आके अपनी बेहतरी लिए अपने चंगे दिनों की आस कर भुला चुका लिखी मां फतेह बुलाओ आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सन सत्कार जो गुरिंदर पाल सिंह जी तनौना साहब जिन्होंने अपने विचार तुहाडे नाल सांझे कीते। हुण मैं बेनती करांगा साडे सत्कार जो उस्ताद मान सिंह जी मनेड़ा साहब सकत्तर बहुजन समाज पार्टी पंजाब वो अपने बनमुल्ले विचार तुहाडे नाल सांझे करनगे। मान योग उस्ताद मान सिंह जी मनेड़ा साहब हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता चमन में दिदावर पैदा। बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर दे 110वें जन्मदिन ते किते असी भुल ना जाइए अपने महान रहबरां दीआं कुर्बानियां नूं उस महान रैवर के जन्मदिन से मंच से विराजमान बहुजन समाज के मसीहा देश के करोड़ों दिलों की वाहेगुरु जी की फतेह। जन्म दिहाड़े उन्हां महान रैवर के महान शख्सियतों के महान व्यक्तियों ने मनाए जाते हैं जो अपने कौम लई समाज लई कुछ करके जाते हैं। बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर कोई मामूली इंसान नहीं वो जुग पलटाऊ इंसान पैदा हुए है। असी लोग पढ़ नहीं सी सकते बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की मेहरबानी नाल साडे समाज के लोग अज मास्टर बन के पढ़ा रहे हैं गल उल्टी करके विखाई है। असी इस देश के अंदर 2 इंच जगह के मालक नहीं सी बन सकते साडे नाम से 2 इंच जगह की रजिस्ट्री नहीं सी हो सकती। डॉक्टर अंबेडकर की मेहरबानी साडे समाज के लोग अज तहसीलदार बन के रजिस्ट्रियां कर रहे हैं। असी लोग देश के विच वोट नहीं पा सकते सी डॉक्टर अंबेडकर की मेहरबानी साडे समाज के लोग अज पंच सरपंच ब्लॉक समिति जिला परिषद एमएलए एमपी मिनिस्टर बनी बैठे हैं। साडे समाज पास 2 पैसे की आमदन नहीं सी डॉक्टर अंबेडकर की मेहरबानी अज साडा 3 लाख सरकारी मुलाजम है जेडे भारत के खजाने तो 1,300 करोड़ रुपये 1 महीने का ला रहे हैं। साडे समाज के पास कोई पढ़िया लिखिया इंसान नहीं सी अज साडे पास करोड़ों मैट्रिक कुलेट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने सकते हैं सुन भी सकते हैं। इसलिए असं कह सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साडे समाज लिए जुग पलटाऊ इंसान पैदा हुए। अज उस सुपने साकार करने लिए साहब श्री कांशी राम जी ने देश के 5,76,000 पिंडों के अंदर यह बकावत का चंडा मनुवाद के बरखिलाफ यह देश के अंदर चुकया। सत्कारयोग साथियों अज तो 38 साल पहला साहब कांशी राम जी ने नौकरी छड़ी फैसला किया कि मैं जिंदगी च शादी नहीं करावांगा मेरे नाम से 2 इंच जगह नहीं होवेगी। साहब कांशी राम ने अपना जीवन ते दबे कुचले समाज नूं समर्पित किया। साइकिल चुक लिया 4,500 किलोमीटर देश दे विच साइकिल चला के अज असीं नहीं कहिंदे गल पत्रकार भरा बैठे ने अज देश दा इलेक्शन कमिश्नर इंडिया कहिंदा कि साहब कांशी राम जी ने बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर अज 3 नंबर की पार्टी बनाई है। बहुजन समाज पार्टी अज देश के अंदर 3री शक्ति पार्टी है। अज देश का सब तो बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश जिथों 2,173 जिला परिषद का मैंबर चुन के जाता तो अज साहब कांशी राम का करिश्मा है कि उन्होंने 576 उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी का जितया। उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी 1 नंबर देते उत्तर प्रदेश के अंदर आई। अज साहब श्री कांशी राम जी पंजाब की धरती के उत्ते
सात आठ महीने तो डंडे डेरे लगा के बैठे हैं और साहब कांची राम ने ऐलान किया के पंजाब की धरती दस गुरु साहबान की जो प्राप्त धरती है तो अज पंजाब की धरती से साहब कांची राम ने ऐलान किया के मैं नमाने नताने न्योटे न्यासरिया की दिल्ली तो पंजाब के अंदर बहुजन समाज की सरकार बनाने नहीं आया तो यह सरकार बना के दिल्ली वापस जावगा। अच्छारोग साथियों अच गुरुआ के अधूरे पे सुपने साकार करने साहब का श्री राम जी ने चार अप्रैल तख्त केसगढ़ श्री आनंदपुर साहब तो 5 अप्रैल अकाल तख्त साहब श्री हरिमंदर साहब श्री अमृतसर तो 2 श्री मार्चा का आरंभ किया जो 13 अप्रैल बैसाखी के पवित्र दिहाड़े से दमदमा साहब 5वें तख्त तलवंडी साबो से जिथे बड़ा भारी इकट्ठ होया उत्थे साहब कांची राम जी ने इतिहासक फैसला सुनाया कि मैं पंजाब की धरती से सीरी प्रथा का अंत करके जन्म जरा थम लवाना। सत्कार योग साथियों अज आप उठ के खड़े होने की जरूरत है अज भी वह गुरुआ का सुपना पूरा पैर नजर आ रहा है। गुरु साहब ने कहा इन गरीब सिखन को दू मैं पातशाही जद करे हमरी दरियाई ते जिना गरीब सिखा दसवें पातशाह राजपाठ से मालक बनाना चाहते थी पंथ के ठेकेदार ने अज उन्होंने सांझी सीरी बना के रखिया ते साहब कांची राम ने गुरुआ के पैगाम जन जन के पहुंचाने ऐलान किया कि हुण सीरी बनना बंद करो पातशाही लैण का प्रबंध करो। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कोई किसी को राज ना दे है जो ले है निज पल से ले है तो साहब कांची राम ने गुरु साहब के सुपने साकार करने का नारा दिता है कि पोत का निज बल बनावांगे गरीब सिखण का राज लियावांगे। ते अज गरीब सिखण का राज लियाउण लई श्री प्रथा का अंत करन लई पंजाब दे विच 5 लाख सीरिया की गिनती है। हाई कोर्ट की रूलिंग है कि मजबूरी की हालत च इंसान मजदूरी करता जिदी 35 रुपये मिलते हैं तो इस किस्म के लोगों की 5 लाख की गिनती है। आ बादल की सरकार ने 8-10 दिन पहला एक कानून पास किया कि गदे तो 8 घंटे तो ज्यादा काम नहीं लेना कदे तो 8 घंटे तो वो काम नहीं लेना पर सीरी तो 22 घंटे काम लेना मजबूरी तो 22 घंटे काम लेना मजदूर तो 22 घंटे काम लेना पर कदे तो 8 घंटे काम लेना। ते सोच कितन नूं चुरी हुई है प्रथा का अंत करन दे लई चंडीगढ़ तो धरना लग्या ते लेकिन उसदे नाल गल ते मुक्की नहीं तो अज साहब कांची राम ने ऐलान किया 23 जुलाई नूं दिल्ली पार्लियामेंट दा असी लखां ही वलंटियर लखां ही लोग पंजाब तो दिल्ली दी पार्लियामेंट दा क्रॉस करन लई जिहड़ा ओह 23 जुलाई नूं जावांगे और आपां ने 23 जुलाई नूं इह नारा ला के कि जो ट्रेन सरकारी है वो ट्रेन हमारी है ते गड्डियां दे उत्ते सरकारी ते कब्जे करके आपां नूं 23 तरीक नूं जिहड़ा दिल्ली दे वल भीड़ां कत्तणियां। अखीर दे विच इक गल कह के मैं आपां सो रजा लैणी है आ किसान भरा खड़े है कुछ बाहर खड़े है ग्राउंड तो इह विच आ बादल साहब ने कहा 234 वोटर है जिन्हों का 1,61,000 महीने का बिल आता सी जिहड़ा पचा के पंजाब के खजाने से डाका मार के जेब च पाया तनखा ने नहरी पानी का 57,000 जेब च पा के जिहड़ा टकारिया तनखा ने अज पंजाब के किसान बड़े खुश है। आ कनौला साहब किसान का बेटा अकाली दल छड के बहुजन समाज पार्टी जिहड़े शामिल होए है उन्होंने भी दस्सिया पंजाब के किसान बड़े खुश है कि बादल ने साडियां मोटरां दे बिल माफ किए हैं। 5 हॉर्सपावर की मोटर 10 एकड़ की जमीन नूं पालदी है उहदा 253 रुपया बिल सी। पंजाब दे किसानां दा पैर धरती ते नहीं लग रहा कि जी साडी मोटर का बिल माफ किया किन्ना किया 253 रुपया पर जट दे घर का वधा के बिजली का बिल 1,000 लै लिया तो 253 माफ करके साडे आले लाने नूं बैसी पलिथण लग गया बेचारे नूं। इन्हां दे घरां दे 2-2 पल्ल 2-2 पक्खे अज 1,000
ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਠਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਚੁਗਣ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਧਾ ਸਮੇਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਠੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਠਾ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਕੰਛੀ ਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਧਮਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹਿਲਦਾ ਹੈ। 1996 ਦੀ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਚੜਵਾਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਛੀ ਰਾਮ ਪਸ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਕੰਛੀ ਰਾਮ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕੰਛੀ ਰਾਮ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਚੜਵਾਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਛੀ ਰਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਚੜਵਾਹੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਛੀ ਰਾਮ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੰਡੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੂੰ ਲੈਚਨ ਅੱਜ ਕਰਾ, ਕੱਲ ਕਰਾ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੰਛੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਚੜਵਾਹੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਛੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਹਮ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਵੋਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਕੀ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਬਸੋ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਸੰਤ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 95 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਦੇਸੀ ਬੋਤਲ 65 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੋਰਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ 'ਚ 5 ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 'ਚ 5 ਵਿਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਵਿਕਦਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਚ ਵਿਕਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ 'ਚ ਵਿਕਦਾ। ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਔਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 'ਚ 5 ਵਿਕੇ ਬੋਤਲ 100 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ 100 'ਚ 5 ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਵਿਕਿਆ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਆ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਸਤਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ, ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਖਰੀਦਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 1500 ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ 1500 ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਰੈਲਰ ਵੀ 125 ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਕੰਛੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਹਮ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੋਤਲ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਕੰਛੀ ਰਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਤਲ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਛੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕੰਛੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਤਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਂਗੇ। ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਕੰਛੀ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਕੰਛੀ ਰਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਹਿਬ ਕੰਛੀ ਰਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਬਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆ ਸਾਡੇ ਝੁੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹ
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਗਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਗਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਛੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸੀ ਏ ਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਗਾਲਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਆ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾੜ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਐਚ ਡੀ ਐਮ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਈਓ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੋ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਕਰ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਬਣਿਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੁੰਗੀਓ ਪਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਮਹਾਨ ਮਸੀਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸੁਰਦਾ ਲਵਾਂਗਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਸ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਦਾ ਕਾਮ ਤੋਂ ਜੀ ਚਰਾਤੇ ਹੈ ਚਮਚੇ ਸਦਾ ਕਾਮ ਤੋਂ ਜੀ ਚਰਾਤੇ ਹੈ ਚਮਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟੋ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਵੇ ਚਿੱਟਾ ਖੱਦਰ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟੋ ਖੱਦਰ ਦੇ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੇ ਸੁਰਖ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟੋ ਆ ਗਾਂਧੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟੋ ਸਹੁਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਅਫਸਰ ਚਲੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟੋ ਵੋਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਦੋ ਪੈਗ ਪਿਆ ਕੇ ਲੁੱਟੋ ਜੇਕਰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਲੁੱਟੋ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਕਲੀ ਪੁੱਤਰੋ ਜੇਕਰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਲੁੱਟੋ ਜੋਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜੋ ਸਾਥੀਓ ਟੱਕ ਪੈਣ ਨੀ ਹੰਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜੋ ਸਾਥੀਓ ਟੱਕ ਪੈਣ ਨੀ ਹੰਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਰੱਖ ਕੰਬ ਦੇ ਛਕੋਲ ਕਹਿਣੇ ਜਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜੋ ਸਾਥੀਓ ਟੱਕ ਪੈਣ ਨੀ ਹੰਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜੋ ਸਾਥੀਓ ਟੱਕ ਪੈਣ ਨੀ ਹੰਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ
Oh!
बेनती करांगा संत बाबा पूर्णनाथ जी चरणा के अपने बड़मल्ले विचार दलित समाज का पछड़िया श्रेणिया का बहुजन समाज पार्टी का इकट्ठा बनता जा रहा लोहे की लट आ दुश्मन जान के सारे नट आ। मैं साहब श्री कांशी राम जी दलतों के वसीआ हिस्से सम्राट जिन्होंने सारी इंडिया का दौरा करके इस दलित समाज को पछड़े समाज को अपने सीने नाल लाया है ते साड़ी बरादरी का सरदार ताज बने ने। मैं इन्हां दा बहुत दिलों सारी साध संगत वालों शुक्र गुजार हाँ। जिहड़ा सीरी मार्च इन्हां शुरू किया वह वाल्मीकि तीर्थ तों ही किया। मेरे दाजे दा मैं माफ़ी मंगदा मनेरा साहब तो शायद उत्थे ना गए हुण साहब जी ने ते आप उतों सीरी मार्च शुरू किया सीरी नाल ही साडा संबंध आ। मैं आता जी आखड़ी वाले बाऊ जी आते आखड़ी वाले की होंगे आ मैं क्या बाऊ जी सीरी ते आखड़ी ते सेपी ये तिना इको इतना शब्द आ। फिर मनिहारा साहब ने इन्हों बड़े विस्तार चंगे ढंग दसिया क्यों लागे लागे ये बोलिया ने माझे वाले आखड़ी वाले जरा मालवा वो सीरी कहें जेडे साडे माझे वाले सीरी का नहीं पता जेडे मालवे वाले आखड़ी का नहीं पता। मैं उन्होंने आख्या महाराज आखड़ी सीरी सीपी इको गल आ दस दो चार लफ्जी कहेगा नाद को महीना पढ़िया अनपढ़ बंदा पर माड़ा मोटा दिमाग कम करता तो दिमाग अगर किसी के प्यो की नहीं। ये मैं बात बोलूँ समा बदलिया युग बदलिया पिछले कुल कानून बदल गए विरोधवादियों के लहू पीने हुण जिंदगी दे मजमून बदल गए जद्दी पुरखी शहनशाहियां दा अज तो 30-40 साल पहला जिमीदार साढ़े वेड़े आता सी आता से वह भांडिया हाँ जी चल आखड़ी करना जे घर की व्याही होनी नवे चूड़े वाली उन्होंने कड़ा खुआ चुप हाँ जी सतपुरु जी न्याणे ने उन्होंने खुली जमने उसे सीरी लग जाना डंगर चारते रहना है उस समा बदलिया श्री कृपा न डॉक्टर अंबेडकर साहब जी की मेहरबानी ना समा बदलिया युग बदलिया पिछले कुल कानून बदल गए विरोधवादियों के लहू पीने हुण जिंदगी दे मजमून बदल गए और जद्दी पुरखी शहनशाहियां दा बोझ दिलां तों लै गया सारा मुक रही है रात गवां दी चमक रहा प्रभात दा तारा राजा घर दे राजे जमणे ना राजां दीआं बेटियां विच्चों हुण तां राजे जन्म लैणगे बस वोटां दीआं पेटियां विच्चों। पिछे आए सन पिया फरीदकोटिया का राजा जी कुड़ी नूं राजा जमणा आ नाभे वाला इहदी कुड़ी नूं राजा ही जमणा हुण मैं चलो अपना बादल साहब इह वी राजा तों घट नहींगा इहदे हुण मुंडे दे घर वी कुड़ी आ ते कुड़ी दे घर वी कुड़ी आ ते राजा वी जमणा ही नहींगा। इह जा नखे तों बादल और जट्टां दे बिल माफ और नहरां दे पाणी माफ 4.5 अरब आनंदपुर साहब लाता उसे गोबिंद सिंह का की घट गया जे ना लाता तो की उहदा घट जाणा सी जे लाता तो की वध गया 4 अरब 4 जिला चलाउंदा उसे मजदूर काम करते देखदा जस करते 4 अरब भी हो गया 7.5 अरब खाणा का माफ 3.5 अरब झोने की सबसिडी देती आ 2 करोड़ रुपया हम अपने पिंड स्टेडियम से लाता तो उसे गया उसे मैदान में खुले बच्चे भी कर सकते हैं ते वाल्मीकि तीर्थ ने दिता 50 लाख तेरे बाद 50 लाख का एक घर नहीं बनता। समा बदलिया चुग बदलिया हो भी आ रहा काम 6 बंदे मारते सन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने केस डिसमिस करता निजर साहब ने ओह केस आ जरा बीबी जगीर कौर आ मैं जगीर कौर ने जालम कौर आना कि अभी मुझे विह करा तो की फर्क पड़ता सी
ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਕੁਬੜੀ ਨੇ ਖੇਡ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਖੇ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਸਭਾ ਬਦਲਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਵਿਰੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਜੱਦੀ ਪੁਰਖੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਤ ਗਮਾਂ ਦੀ, ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਰਾਜਾ ਘਾਨੇ ਰਾਜੇ ਜੰਮਣੇ, ਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਬਸ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਟਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦਾਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਤੇ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਚੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਮੈਨੇ ਰਾਤਾ ਬਾਦ ਜੀ ਛਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਛਾਪ ਛਪਾਉਣਾ ਛਪਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੱਦੀ ਛਾਪ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਜੀ ਸਤ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ 81 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛਾਂ ਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਲੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਮੈਂ ਜੈ ਭੀਮ ਆ ਨਾ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ, ਰੱਬ ਕੋ ਸਲਾਮ, ਖੁਦਾ ਕੋ ਸਲਾਮ, ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਸਲਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸਲਾਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਚੜੇਗੀ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਤਾਂ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੂਰਜ ਆਦ ਵਾਸੀਓ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਿਖਲਾ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੂ ਬਰਸਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਰੋਕਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹੋ ਕੌਮੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਕਰਕੇ ਗਏ ਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਲਏ ਜਿਹੜੇ, ਘਰ ਘਰ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਲਾਲ ਸਾਡਾ ਜੁਗਾ ਦਿਆ ਪਛਾੜਿਆ ਦਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦੀ ਕਰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਭੀਮ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਰੀ, ਭੀਮ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲਾ ਤਸੀਰ ਹੈ, ਭੀਮ ਜੀ ਦੇ ਵੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਡਾ ਚੂਚ ਚੂਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ। ਵਿਰਸੇ ਚ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਨਿਰਤਨਾ ਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੀਵਾਨਾ ਆਦਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਦਿਲੀ ਦਲਦਾਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚ ਅਮਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਗਮਖਾਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੈ। 18 MP ਜਿਹਨੇ ਭੇਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਸਲਾਮ ਸਾਡਾ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਨਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸੰਗਤੇ ਮਹਾਨ ਅਲਮਾਨਾ ਹੈ। ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤੇ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ ਬਹੁਜਨ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰਕੂਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੋ ਸੀ ਜਗਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਜਿੰਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸੀ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ। ਸੀਰੀ ਅਤੇ ਅੱਥਣੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੀ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ।
यूपी के विशाल सूबे में इस पार्टी ने हाथी निशान थले जलवा दिखाया है। राज्यपाल आया मजीद के माया ने दिता ही मुख मंत्री बनाया है, मुख मंत्री बनाया है। धारिया की थां दे के घर पक्के किरतिया कमां दे लवाया सी। बाबू कांशी राम ने बच्चिया के सिरां तो ढेर गंदे चूड़िया के सकते लवाया सी। बाबू कांशी राम ने पूर्ण महान आदू रब सानू बख्शिया है। बाबू कांशी राम जिहड़ा गुणा का भंडार है, सिर उत्ते हाथ जिवें आदि भगवान जी का लोकां दी सेवा जी का कहना दे शिंगार है। दिलों अरदास मेरी बाबू कांशी राम जी नू लम्मी दे विच जिंदगी दी डोर परमात्मा भीमराव जी ने पूरे चंद दी निशानिया नू बाह विच बल देवे। होर परमात्मा युगा दे पिछाड़िया नू चानण दिखाउण दे लई शब्दां दे विच देवे होर जोर। परमात्मा झंडा आदिवासियां झंडा आदिवासियां दा जग दे चलाउण लई देवे कुर्बानियां दा लोर। परमात्मा पूर्ण प्यार नाल जलवा दिखाउण दे लई धरती पंजाब जी है सानू ललकार दी वड्डा दी कमल नाल शाहजोर राजधानियां दे गुरु ग्यारनाथ जी दी आत्मा पकार दी आत्मा पकार दी आत्मा पकार। जय भीम जय भारत। बोलो साजी संग लियाउणगे तो गीत रहे ज्ञान का लगा सुन के जरा गौर। धमाका कीता सी उत्तर प्रदेश अंदर ते दुनिया सारी दी सारी हैरान रह गई। तांबा छिड़ गया बिरलिया टाटिया टप्पी टंटा दे थले जवान रह गई। एक नवा सियासत ने मोड़ कटिया सारे मुल्क नू सोचा विच पा दिता। कंशी राम ने दिल्ली का तख्त तू एक झटके दे विच गड्डी चलती कांग्रेसी अगुआं दी गड्डी चलती भारतीय जनता पार्टी वालियां दी ते आके हाथी दे सामने जाम हो गई। ला दिता हुकूमत ने जोर सारा लुक चुपी दे विच नाकाम हो गई। मालक तख्तां दे असली जाग उठे नीले झंडे की झंडी शरेआम हो गई। होदू बादल हुणां दे होश उड़ गए फौज पर लंगड़े दी नींद ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਜਪੇਈ ਦਾ ਦਿਲ ਹਿਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰਾ ਗਾਉਣਾ ਹੋ ਬਸ ਪਾਹਦੇ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਦਰਾ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਹ
करनी है। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਹੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਜਿਵੇਂ ਓਡੀ ਲੰਕਾ ਜਲਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਪੰਬੜੇ ਰੂਈ ਦੇ ਡੋਗ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰੀ ਤੜਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰ ਚੱਕੇ ਗੰਗਾ ਉਲਟੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਚਸ਼ਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੀ ਰੱਖੀ ਕੜਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇਗ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਗੜੀ ਚ ਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚੰਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਉਹਦੀ ਅਣਖ ਮੰਗਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਮਨੋ ਸਿਮਰਦੀ ਪਿੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਮਾਤਾ ਹੱਥੀਆਂ ਪਜੜਾਈ ਤਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਤਲ ਤੋਂ ਸੰਨ 77 ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗੱਦੀਓ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ 80 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੀਬੀ ਗੱਦੀ ਬਿਠਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਕਹਾਂ ਚੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੁਛ ਚੁਸਤੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਸੁਸਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਚੁਸਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
जेड़े लोग हजारा साल तो गुलाम रहे आज उन्होंने जिंदगी च बड़ा भारी बदलाव आया और जेड़ा बदलाव लियाना हजे बाकी है उस बदलाव वास्ते सुस्ती त्याग के चुस्ती का लाना बड़ा जरूरी है। तभी कुछ ने लोगों जी चुस्ती आई है उसके कारण जेड़ा अमीर बची है कि उत्तर प्रदेश की तरह पंजाब भी अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अपनी सरकार बना सकेगा। इस अमीर का स्वागत करते हुए मैं थोड़ा ज्यादा समय ना लेके चंद मिनटा च अपनी गल समाप्त करांगा। अगे भी एक प्रोग्राम है उन्होंने भी ध्यान च रख के साथियों अज बड़े बदले हुए माहौल च देश के कोने कोने च यह दबिया कुचला समाज इकट्ठा होता इहो जिहा इकट्ठ रोपड़ के पिछड़े हुए इलाके च भी इहो जिहा बदलाव रोपड़ जिले के पिछड़े हुए इलाके च भी अज सानू देखण नू मिलता है। उन्ना ज्यादा नहीं जिन्ना अगे वधे हुए इलाकों में पर फिर भी काफी बदलाव मैं नजर आ रहा है क्योंकि इस इलाके में पैदा हुआ पढ़िया लिखा जब मैं पढ़ता सी 40-45 साल पहला तो बहुत लोग 60,000 तो ज्यादा जमात सारे शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं सारे दबे कुचले समाज के लोग नहीं सिर्फ 3,000 तो ज्यादा जमात बामण तो दूजे नंबर से वो डिप्टी कमिश्नर बन चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर बन के वो अगे बढ़ चुके हैं और लगातार सिलसिला जारी है। पटवारी किन्ने बने हैं इहदा तां मैं हिसाब नहीं रखिया मैं तो डिप्टी कमिश्नर या उस तों उत्ते दा हिसाब रखदा। इस करके एडा बड़ा बदलाव अज साडे समाज च आया है जिस समाज च मैं पैदा होया ऐसे बैठे हुए साथी पैदा हुए ऐडा बड़ा बदलाव बाबा साहब अंबेडकर जी की याद में तुसी इकट्ठे हुए उन्होंने संघर्ष के कारण ऐडा बड़ा बदलाव साढ़े समाज च आया पर जिड़ा बड़ा बदलाव वो लाना चाहते सी वो हजे बाकी है। बाबा साहब अंबेडकर ने सानू बहुत अधिकार दवाए पढ़न लिखण का अधिकार आरक्षण दवा के नौकरियां जान का अधिकार बड़े अधिकारी बनने का अधिकार पर 1932 18 अगस्त 1932 बाबा साहब अंबेडकर जदों लंदन तो वापस आए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो आके उन्होंने अपने समाज के लोगों को कहा क्या मेरे समाज के लोगों तुसी इस देश के मालिक होया करते सी तुसी इस देश के हुक्मरान होंदे सी सेंट्रल एशिया तो आर्या लोग आए उन्होंने थानू पराजित करके हरा के थानू गुलाम बनाया तुसी हमेशा हमेशा गुलाम बने रहो उन्होंने एहो जे समाज की व्यवस्था बनाई मनुवादी समाज व्यवस्था बना के थानू 4,000 जातियां च बंड के थोड़े टुकड़े किए
4000 टुकड़े किए ताकि तुसी कदे इकट्ठे ना हो सकन। और सानू पढ़न लिखन तो महरूम रखिया ताकि तुसी कदे सूझबूझ वाले ना बन सकन, अपने बारे सोच विचार ना कर सकन। इस गल नूं साढ़े पोले पाले लोगों नूं समझाया, ये भगवान की देन है। कोई छोटे समाज पैदा जाति पैदा हो गया, कोई बड़ी जाति पैदा हो गया, पर असी इस गल नूं समझिया कि भगवान की देन नहीं है, ये एक शैतान की शैतानी है, एक शैतान की शैतानी है। उस शैतानी नूं समझ के असी अंग्रेजों के राज विच अंग्रेजों की मेहरबानी नाल पढ़न लिखन का अधिकार हासिल किया, असी होर अधिकार हासिल किए, असी जिंदगी च अगे बढ़े। और अज मैं थोड़े वास्ते वो अधिकार लेके आया है, जिस अधिकार का इस्तेमाल करके इस देश के मूल निवासी जिहड़े हजारों साल पहला इस देश के मालिक हुंदे सी, जिहड़े हजारों साल पहला इस देश के हुक्मरान हुंदे सी, वह फिर इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। इस करके साथियों, बाबा साहब अंबेडकर साडे वास्ते गांधी जी और उहदी कांग्रेस नाल संघर्ष करन तो बाद बराबरी के वोट का अधिकार लेके आए, बराबरी के वोट का अधिकार लेके उन्होंने अपने समाज जाके कहा कि ये बराबरी के वोट का अधिकार इस्तेमाल करके तुसी फिर इस देश के मालिक बन सकते हो, तुसी फिर इस देश के हुक्मरान बन सकते हो। इस करके साथियों, 68 साल पहला बाबा साहब अंबेडकर ने सानू ये सलाह दी, 18 साल बीत गए, असी उन्हां दी सलाह नूं पोले पाले समाज तक पहुँचा नहीं सके। पढ़े लिखे लोग अपनी पढ़ाई लिखाई नूं अपने तक सीमित रख के, अपने घरवालिया तक सीमित रख के, अपने दबे कुचले समाज तक ये गल भी नहीं पहुँचा सके कि बाबा साहब अंबेडकर सब तो बड़ा प्रदेश है। उत्थे इस गल नूं पहुँचा के लोगों नूं रजामंद किया, लोगों नूं रजामंद किया। मैं अपने साथियों नूं लेके अर्थ दिखाउंदा गया और दबे कुचले इंसान की अर्थ करी गई, मैं अर्थ दिखाउंदा गया और मेरे समाज की अणख जगती गई। जब चमारा की अणख जगी तो एक चमारी उठ के खड़ी हुई, उन्होंने असी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के असी वो कम करके दिखाया जिहड़ा अज तक ना किसी ब्राह्मण ने किया, ना ठाकुर ने। इस करके साथियों, साडा हौसला बढ़िया कि जब एडे बड़े सूबे च जिहड़ा पंजाब नालों 7 गुणा बड़ा है, पंजाब छोटी जी सूबी है, पंजाब छोटी जी सूबी है पर एदे नालों 7 गुणा बड़ा उत्तर प्रदेश का सूबा है। और देश बहुत बड़ा है, सारे देश में 543 मैंबर पार्लियामेंट चुन के आए हैं, जिहड़े दिल्ली के तख्त ते बह के देश के उत्ते हुकूमत करते, 543 सारे मुल्क आए हैं, उन्हां चो 13 सिर्फ पंजाब को चुन के जाते, किसे 543 और किसे 13। अपने आप तुसी अंदाजा ला सकते हो कि साडी सूबी किन्नी छोटी है। मैनू ये लगे कि जब मैं एडे बड़े सूबे च अर्थ जगा के दबे कुचले समाज की अर्थ नूं जगा सकिया, तां पंजाब विच 10 गुरुआं दी धरती च भी अणख जगाई जा सकती है। जे इन्हां लोकां दी अणख जग जाए
जिस तरह उत्तर प्रदेश से उठ के खड़े हो सकते हैं, अपने पैरों से खड़े हो तो सातवें हिस्से पंजाब विच क्यों नहीं हो सकता। इस उम्मीद नूं लेके मैं पंजाब से पहुंचा। जब मैं इतने पहुंचा तो बहुत आदमी कहते हैं ऐसे दे दबे कुचले समाज के लोगों को कहते हैं कि भाई काशीराम थानू गुमराह कर रहे हैं, थानू कहना तुसी हुकमरान बन जाओ। ये कदे होया? मैं भी मानता कि कदे होया नहीं। 40 साल पहला इसे जगह सानू कहते सी पढ़ने लिखने के बाद क्या तुसी पटवारी बन जाए। अज 40-45 साल बाद मैं थानू दसन आया कि 3000 तो ज्यादा ऐसे समाज के लोग डिप्टी कमिश्नर बन के अगे बढ़े। ये कदे होया सकता? ये कदे होया सी? लेकिन ये बदलाव आया। जेड़ा बदलाव बाकी है वो लाना साड़ी जिम्मेवारी है। साड़ी हौसला गिराने वास्ते, बड़ा हौसला गिराने वास्ते कुछ लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਣਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਉਹ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 100 ਚੋਂ 70 ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਬਣਾਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣੇ ਬੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਗੁਣੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? 7 ਗੁਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 7 ਗੁਣੇ ਬੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਉਣਾ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ 3ਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਅਤੇ 3ਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ,
ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਅਪਣਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੂਬੇ ਚ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੁਛ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹਮਾਰੀ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਕੇਡ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ 10 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਸਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਘਨ ਵਜੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ 32 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ 32 ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ 32 ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਆ। ਲੜਾਈ 32 ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵਿਘਨ ਵਜੇਗਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ। 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋੜਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਚੁਣਾਉਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੈ ਜੀ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਸੀਹਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਨੂੰ ਸੋਪੋ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਦਲਿਤ ਦਲਿਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੁਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਈ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ।
और मैं बेनती करेंगे ठेकेदार अजीत सिंह जी पहले जो परचा फर समार सभा जिला रोपड़ के प्रधान बेनती करेंगे श्रद्धा पेश कर। और मैं सारे संस्था को बेनती करनी चाहता बाबे भाई जसवीर सिंह आ जाए ਸਾਰੇ